हेलो दोस्तों, आज मात्र नारायण उत्तराखंड की एक और नई LT शिक्षा भर्ती, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पदों पर भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कौन कौन से विषय की वैकेंसी निकली है, इसके लिए आपको यहाँ पर पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और जो भी इच्छुक विद्यार्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज ही निकल के आ रखी है 4/5/2022 को यहाँ पर नई वैकेंसी निकल के आ रखी है, जो कि आपकी शासकीय स्कूल में वैकेंसी है। इसकी जो रूल और रेगुलेशन आपके रहते हैं नियुक्ति के, वो थोड़ा सा अलग रहते हैं, बाकी आपके गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से सैलरी एलिए सब कुछ परमानेंट वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर जो वैकेंसी निकल के आ रखी है, वो आपका अम्बावती दून वैली इंटर कॉलेज, जो कि यहाँ पर पंडितवाड़ी देहरादून, यहाँ पर वैकेंसी निकल के आ रखी है। इसके लिए LT विज्ञान की पोस्ट एक है, जिसमें आपको 47,900 से स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा LT ग्रेड में, जो कि गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के अनुसार ही है। इसके लिए आपको यहाँ पर जो है किसी भी संस्थान से आपके पास जो BSc है ZVC से वो होना चाहिए, जिसमें आपके पास रसायन विज्ञान, दंत विज्ञान, ठीक है, और यहाँ पर इनमें और वनस्पति विज्ञान, इनमें जो तीन सब्जेक्ट हैं, तो स्नातक इनसे होना चाहिए, BEd होना चाहिए। UTET या CTET सेकेंड होना कंपलसरी है। अगर इंटीग्रेटेड कोर्स है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर LT निकली है, संस्कृत की पोस्ट निकली है, जिसमें सैलरी सब कुछ है। एक पोस्ट निकल के आ रखी है अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर है। तो ये दो वैकेंसीज हैं, एक सामान्य के लिए है, एक अनुसूचित जाति के लिए है, जिसमें संस्कृत और विज्ञान के लिए निकली है। संस्कृत के लिए आपके पास यहाँ पर इंटर में संस्कृत होना जरूरी है, हिंदी सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन में भी अगर है या इंटर में है हिंदी सब्जेक्ट, संस्कृत स्नातक होना जरूरी है कंपलसरी, संस्कृत स्नातक, संस्कृत के साथ साथ हिंदी भी होना आपके पास जरूरी है। BEd, UTET, CTET सेकेंड वाला होना जरूरी है। इसके लिए आपका यहाँ पर जो है जो 21 दिन की दिया गया है, 4 तारीख से आप 21 दिन ऐड कर लीजिएगा, लगभग 25 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसके लिए आपको यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून पर भी आपका यहाँ पर फॉर्म मिलेगा, जो कि 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको लगाना पड़ेगा इसी के अंतर्गत, ठीक है, जो कि आपका ये आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी मयूर विहार देहरादून यहाँ पर ही आपको चालान लगाना पड़ेगा इसी के नाम पर। और बाकी आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया पूरी आप लोग 21 दिन के लिए कर सकते हैं। उत्तराखंड के अभ्यर्थी होना चाहिए, इंप्लॉयमेंट में रजिस्टर आपका नाम होना चाहिए, और आवेदन पत्र जितने भी संग्रहण प्रमाण पत्र हैं सबको लगाना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पर कहा गया है कि आवेदन पत्र के जो लिफाफा होगा टॉप पर बाहर की ओर जो है आपको या बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर जो है पद का नाम और दाईं ओर जो विद्यालय का नाम, ये अंकित करना अति आवश्यक है। इसके लिए जो है आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट द्वारा आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और ये जो है आपकी स्थायी भर्ती है, परमानेंट जॉब है, जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती हैं, और शासकीय स्कूलों में रहेगा लेकिन नियुक्तियाँ, ठीक है। और मूल जो उत्तराखंड के अभ्यर्थी वही अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे, बाकी कोई भी अदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसके लिए। तो आप आवेदन कर सकते हैं जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं।